सभी संस्कृति प्रेमी देवी और सज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी लोक सभ्यता के सबसे बड़े परिचायकों में से एक, मेलों की। हम उत्तराखंडी बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी मेलों की संस्कृति बहुत प्राचीन है। हमारे पुरखों पूर्वजों ने इस अमूल्य धरोहर को संभाल कर रखा और आज के समय में भी ये परंपराएं जीवित हैं। पुराने समय में ये मेले आसपास के क्षेत्रों और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जन मिलन का एक बड़ा केंद्र होते थे। धीरे धीरे इन मेलों ने व्यापारिक रूप लेना आरंभ कर दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है थल। यहाँ स्थित प्राचीन बालेश्वर मंदिर से हर वर्ष बैसाखी के अवसर पर एक व्यापारिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि इस क्षेत्र में थल मेले के नाम से मशहूर है। इस मेले के सूत्रपात के विषय में कहा जाता है कि इसका शुभारंभ सन 1940 में हुआ था, जब इस क्षेत्र के देशभक्तों और स्वतंत्रता के नायकों ने रामगंगा के तट पर एकत्रित होकर के इसी दिन अमृतसर में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार का स्मृति दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उसके बाद से फिर यह प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे इसके साथ अन्य मेलों की भांति सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियां भी जुड़ती गईं। आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय उद्योगों के उत्पादों के प्रचुर मात्रा में यहां लाए जाने के कारण इस मेले का व्यावसायिक महत्व बढ़ता गया। इसने एक बड़े व्यापारिक मेले का रूप धारण कर लिया। मेले की अवधि 1-2 दिन से बढ़ाकर 10-15 दिन कर दी गई। जो लोहाघाट की फेमस कढ़ाइयाँ आप यहाँ पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोकल रेट से कम में दे रहे हैं या क्या छूट दे रहे हैं इसको खरीदने के लिए? सर, जो हमारे लोकल जो रेट होते हैं उससे 10% हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, ये देखिए लोहाघाट की कढ़ाइयाँ जो फेमस हैं। लोहाघाट वैसे अपने लोहे के लिए फेमस है, तो वहाँ का ये लोहा है। इस ये कढ़ाई अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है, प्लस आयरन मिलता है और इसका इस पे बनी हुई सब्जी खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टेस्ट अच्छा होता है। और जैसे एल्युमिनियम है वो स्टील है, उनमें बैक्टीरियाज मिलते हैं, तो इसमें आयरन मिलता है। चीज जो है ये हमारी संस्कृति से पहले से जुड़ी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए आप देख सकते हैं, छोटी सी लेकर के बड़ी साइज तक की सारी कढ़ाइयाँ यहाँ पर इनके पास मौजूद है। ये देखिए तवा भी मौजूद है, ये देखिए ये जलेबी वाली जो चाशनी है ये भी मौजूद है, ये झांझर देखिए, ये इसे क्या कहते हैं, ये गोल, ये करछी पलटा है। करछी पलटा भी मौजूद है। हाँ, जैसे गांव में हमारे घरों में हाँ अभी भी जो है फल लगाए जाते हैं, कैटरिंग वगैरह कम है तो वहाँ उसमें यूज होता है। हम लोग बहुत पहले से पूर्वजों के टाइम से आ रहे हैं। अच्छा, आप पूर्वजों के टाइम से आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेला भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है राजेश जी। यह मेला मुंशारी कपकोट धारचूला के हस्तशिल्पी कुटीर उद्योगों के व्यवसायियों का महत्वपूर्ण बिक्री केंद्र के रूप में विकसित हो गया। बाद में नेपाल के व्यापारी भी यहां अपना माल बेचने आने लगे। यह बात भी उल्लेखनीय है, इस थल कस्बे में तेजम, जोहार, अस्कोट, बागेश्वर, पिथौरागढ़ की ओर से आने वाले मार्गों का भी संगम होता है और इसका केंद्र भगवान शिव के बाल रूप का प्रतीक माना जाने वाला बालीश अथवा बालेश्वर मंदिर है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रामगंगा नदी में स्नान करने और बालेश्वर में दर्शन और पूजा अर्चना करके आगे की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ पर देवाधिदेव भगवान शिव के बाल रूप का दर्शन करने के बाद कैलाश की यात्रा पर जाने की परंपरा आज भी कायम है। और भैया कहाँ से आए हो? हेलो हेलो, कहाँ से आए हो? घूम रहे हो? कैसा है मेले की रौनक? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक से एक। हाथों में तो कुछ दिख नहीं रहा, खरीदा हुआ? आंखों में। वेरी गुड, ओके। भगवान ये जिनका जय, हेलो छोरा जय भगवान,
यशुराज भगवान कृष्ण महादेव बोले यह रातू के माया जे जिग चंद्र मायो तारा इंद्र वो राजा भगवान जिनका दयाल तम सो महाराज मित्र हो कर्मचारी भाई बहनो दिन में आ मेरे साथ रात को ईजा मेर देगा मर चलो मुठान चलो हम कर हम कर ईजा ये लप हाँ जी दाजू कहाँ से आए हैं? मैं जी यहीं से हूँ। लोकल से ही हैं? अच्छा कैसा चल रहा काम? काम सर ऐसा ही मंदा ही चल रहा है। गर्मी तो बहुत हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है भैया। हाँ बता आप खाओ खाओ। हेलो गाइस यूट्यूबर है भैया कौन से टेलर पे बताइए आप? हेलो गाइस हेलो ट्रैवल हाँ खाओ क्या खाना खा रहे बच्चे लोग आप भी खाओ भैया थैंक यू हमने खा लिया ये फेलो ट्रैवल मेरे चैनल का नाम थोड़े से चाहिए थोड़े से खा लिए आप कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी से आपका क्या है? अच्छा 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 यहाँ खाने के लिए कितने में खिला रहे हैं खाना? अरे बहुत सस्ता 10 रुपए में। अरे 10 में तो नहीं खिला रहे होंगे ना भैया बहुत रुपए में है 30 रुपए खाना खिला दे रहे हैं कमाल हो गया। हाँ जी आज तो नहीं हो बहुत परेशान है बहुत परेशान क्या हो रहा क्या है क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि ग्राहक नहीं आ रहा है। कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि और साल भी मेला होता है यहाँ बहुत भीड़ होती है अब तक भीड़ नहीं है। इस रीजन क्या क्या आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? पब्लिक के पास पैसा नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं ना पब्लिक के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए पैसा नहीं है मेन तो मेला पैसे का है ना। यहाँ का प्रशासन यहाँ के लोग सब अच्छे बहुत बढ़िया लोग हैं सब प्यार मोहब्बत क्या बात है बात की इज्जत दे रहे हैं अच्छा हर बात का सहयोग दे रहे हैं अभी तक कोई शिकायत नहीं है किसी बात की। चलिए बहुत अच्छी बात कही है। तो आपने हम लोगों को यहाँ आपके रहने की और नहाने धोने की क्या व्यवस्था है? सर वो भी सब सही है आराम से। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग तो कम से कम 30-40 लोग हैं इकट्ठे। कहाँ से आए हैं? हम लोग हल्द्वानी से। हल्द्वानी से जी। तो रहने की रात को सो कर आ रहे हैं? सर यहाँ पे आराम से सोते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा वगैरह सामान की पूरी है? महंगाई और ऐसा लग रहा है पैसा बहुत हिसाब से खर्च कर रहे हैं। हाँ क्योंकि और साल तो बहुत भीड़ होती थी ना काफी हर काम हिसाब से कर रहे हैं। हाँ और आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से खाना पीना सब लोकल से ही थल से। अच्छा 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 तो क्या बात है आपके थल में इस बार मेले की भीड़ कम क्यों है? अच्छा आप ही आज ही आ रहे हो? अच्छा अच्छा धूप के कारण है ज्यादा गर्मी के कारण पब्लिक नहीं आ पा रही है वो या तो पैसे के कारण है पैसे के कारण ये हो सकता है। बागेश्वर के ही प्रॉपर बागेश्वर दो बाजार मार्केट ठीक हॉस्पिटल लाइन बस समझ गया मैं। ये कौन सा यूट्यूब चैनल है? मेरा फेलो ट्रैवलर है। फेलो ट्रैवलर शाम को आ जाएगा चैनल करीब 7 बजे। कहाँ से आए हैं? गाँव से। गाँव से ही है तो मेला हल्का क्यों है इस बार? इस बार पब्लिक ऐसा है कि आजकल का समय है ये समय तो है सब सामान घर ही में पहुंचा देने लोग बात में एक महीने मेला लगता था उसके बाद 15 दिन लगता था 10 दिन तो इतनी भीड़ रहती थी अब कहाँ की भीड़ है बस एक दो दिन तो एक बार एक निभाना हो रहा है मतलब निभाना हो रहा है मेला। अब निभाना है मेला मतलब रौनक नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे क्या नाम है? मीरा। कितने पढ़ते हो? तो मेला आज पहली बार आए मेला यहाँ है आते रहते हो क्या क्या खरीदा? कपड़े ले रहे हो और कुछ? चलिए चलो नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। ये नया अट्रैक्शन है। हेलो हाँ बोलो क्या मतलब? पिथौरागढ़ से APS रोड जाखनी से। हाँ पार्किंग ये हमारा छल्ला है ये इसमें खुलेगा 200 में खुलेगा 100 में खुलेगा 50 में खुलेगा साबुन खुलेगा। अब आप 50 रुपए दीजिए हमको हम आपको 8 छल्ले देंगे। 50 रुपए 8 छल्ले? हाँ बिल्कुल जितने छल्ले इसमें बैठा पाऊंगा बिल्कुल। हाँ हाँ सर हाँ बहुत से जगह मेले मना चुके हैं बागेश्वर में हल्द्वानी में बरेली में सब जगह हम जाते रहते हैं। 3 बार गंगे में डुबकी लगा दी यार सर पता है आपको।
मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व पे थोड़ा सा दोष। मेले का जो सबसे पौराणिक जो महत्व है, जो बालेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ से मेले की शुरुआत हुई थी, ये 1960 ही लगभग से ये मेला शुरू हुआ है। उस समय में इस मेले को मिलन का एक केंद्र माना जाता था। जो हमारे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें जो सबसे मेन जो टर्म्स है, भगनौल जो कथा कहते हैं ना गायन, इसके लिए यहाँ पे जो वृद्ध जन थे वो एकत्रित होते थे। और इस बार भी दो रात पहले फर्स्ट दिन था भगनौल यहाँ पे शुरू हुआ था, पूरी रात वो चला था। भगनौल अभी भी जिंदा है, भगनौल तब भी थी, ऐतिहासिक शिव मंदिर तब भी था, ऐतिहासिक शिव मंदिर अभी भी है। तो मेले की रौनक में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई। कुछ सालों से जैसे हमारे पास टीवी मोबाइल हम लोग इससे ज्यादा एंगेज हुए हैं जी, तो इन मेलों की परंपरा में थोड़ा कमी आई है, इस बात को मानते हैं जी? बिल्कुल आई है, क्योंकि जैसे हम अपना बचपन बताएं, जब हम अपने बचपन के समय मेले आते थे तो हमारे सबसे बड़ी चीज क्या होती थी, घर वालों ने कुछ रुपया दिया तो उसका हम छोटी मोटी चीजें ले लें, खा लें, अच्छे से रहें। लेकिन अभी का समय क्या है, फास्ट फूड का है, आप होम डिलीवरी घर तक हो रही है, आपने पिज्जा खाना घर में आ जाएगा, तो आपका मेले से कोई लिंक नहीं है। हमें अगर चाउमीन खानी थी, समोसा खाना होता, हम मेले का इंतजार करते थे। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो पूरी मोबाइल पे केंद्रित हो चुकी है। क्या नया बच्चा ये चाहेगा कि मैं नीचे नदी में जाके शॉपिंग करूं? मतलब ही नहीं होता। आप भी युवा ही हैं जी, मैं भी युवा हूं। कहना चाहेंगे हम हमारे मेलों की जो संस्कृति है इसको बचा के रखने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर सबसे बड़ा संदेश तो है ना, बच्चों से पहले जो हमारे अभिभावक है हमने उन पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो अपना बचपन देखा है, मैं चाहूंगा जो मेरे बच्चे हों वो पुराना समय देख पाए। लेकिन हम लोग क्या ना भावी भविष्य को दिखा नहीं पा रहे। माता पिताओं से लाए दिखाए, भैया शिव मंदिर के है, मेला के है, भगनौल के है, कुमाऊनी गाना के है, ये चीज है। सुंदर तरीके से आपने अपनी बात की, धन्यवाद। तो आपके सामने आपका चैनल है, जरूर रामथल घाटी के लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है नवराज ब्लॉग्स करके, नवराज ब्लॉग्स करके। अगर आपने थल क्षेत्र की रौनक देखनी है, मेले का असल रूप देखना है, तो प्लीज एक बार चैनल पे आइए। चलिए, मेरी मेरी खुद रिक्वेस्ट है आपसे, नवराज ब्लॉग्स करके चैनल है, इनके चैनल पे आइए, देखिए और क्या क्या ये बनाते हैं उसको देखिए, उस पर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक धार्मिक जो ये थल का मेला है, ये वर्षों से आइए हमारे पूर्वजों के समय से इसी व्यापारिक और धार्मिक मेले के नाम से जाना जाता है। और जो अभी आपने एक विषय रखा था कि अभी जो मेले में भीड़ भाड़ कम है, तो जो भाई साहब ने बताया कि कोरोना भी एक रीजन है और पलायन भी इसका एक कारण है। और जो हमारी नई संस्कृति, जो नए जो हमारी नई पीढ़ी है, उन बच्चों में पुराने संस्कारों की भी कमी है कि जो धार्मिक अंतरदृष्टि के अनुसार जब हम छोटे थे तो अपने बुजुर्ग लोग थे, हमें बताया करते थे कि नदी में स्नान कब करना, मेले का क्या महत्व है। तो इस मेले को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे इस क्षेत्र के समाजसेवी दिनेश चंद्र पाठक जी ने पहल की और इस मेले को पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें बहुत प्रयास किए, लगभग अपने संसाधनों से और कुछ स्थानीय नेताओं के सहयोग से इस मेले को संचालित करते हैं। और इस मेले को, इस हमारे संस्कृति विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मैं दिनेश चंद्र पाठक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, और बहुत बहुत आपकी आने वाले टाइम में इस मेले को और अच्छा बनाने की क्या तैयारी? मैं बताना चाहूंगा सर कि जो थल मेला है, ऐतिहासिक मेला है, इसके इसका धार्मिक महत्व है और इसका हम कह सकते हैं कि जो व्यापारिक दृष्टि से है, तो जैसे कि जौलजीबी का एक मेला था व्यापारिक दृष्टि से, उसी तरीके से थल मेला भी कई वर्षों से चला आ रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ गिरावट तो आई है मेले में, वो जाहिर सी बात है, उसका कारण एक पलायन भी हो सकता है क्योंकि गांव में पलायन बहुत अधिक हुआ है। लेकिन फिर भी ये है कि उस सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी मतलब यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसे देखने के लिए काफ़ी ग्रामीण लोग आते हैं और इधर उधर से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो रात्रि के कार्यक्रम हो या दिन के कार्यक्रम हो, तो काफ़ी भारी संख्या में लोग दिख रहे हैं अभी, तो वो एक अच्छी बात है। जो हमारे पाठक जी ने, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनने जो पहल की थी, उसका जो बीड़ा उठाया था, और हमारी जो पूरी टीम है इसके पीछे रात दिन लगी हुई है, तो उसका भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की आगे क्या तैयारी है इसको और अच्छा बनाने की, ताकि लोगों का आकर्षण बना रहे? हमारी जो छोटी छोटी है ना बच्चे, जी जी जी, ये इस तरह की जो पीढ़ी है हमारी जी, ये इस मेले के प्रति, हमारे मेला संस्कृति के प्रति कैसे आता है? इसके लिए अभी छोटी छोटी प्रतियोगिताओं का इसमें रखा गया है, जैसे क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज की को देखते हुए, और साथ ही ये है कि जो मंच पे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं, तो इसी वजह से उनकी रुचि बनती है कि भविष्य में वो उस कार्य को कर सके। बदलते परिवेश में, बदलते जमाने के हिसाब से परंपराओं में कमी क्यों आई?
हमारी आने वाली पीढ़ी है, इससे थोड़ा सा इसके प्रति बेरुख क्यों है? पांडे जी, आपने प्रश्न तो अच्छा पूछा, लेकिन अगर आप थल की बात करें तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि लोग इससे जुड़े। तीनों पीढ़ियां हमारे यहाँ आती हैं, चाहे दादा हों या पुत्र हों उनके और नाती, तीनों पीढ़ियां यहाँ आती हैं। हमने ये कर रखा है कि यहाँ नशा विहीन समाज हो और आत्मव्यवस्थित होकर दर्शक अगर देखते हैं तो कलाकार भी हमारी इज्जत करते हैं, उनके कार्यक्रमों को भी सराहा जाता है। बजती हुई तालियां सबसे बड़ी पुरस्कार होती है दर्शकों के द्वारा, और मेला समिति अपनी ओर से प्रयास करती है कि इसको और बेहतर बनाया जाए। और मैं तो निरंतर इसी काम में इसीलिए लगा रहता हूँ, 30 साल से करीब हम ये काम कर रहे हैं, तो चाहे रामलीला हो या स्थानीय कार्यक्रम, इसमें सारे कार्यक्रमों में हम तीनों पीढ़ियों के योगदान चाहते हैं। जहाँ तक आपने कम की बात कही तो पलायन मुख्य कारण है, और उसके अलावा ये जो मोबाइल संस्कृति हो गई है, हमारे कलाकारों को सुनते हैं हमें तो अच्छा लगता है पांडे जी, और इससे ही हम प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तृतीय दिवस थल मेला महोत्सव और इसके कार्यक्रम का हम शीघ्र शिलान्यास करने वाले हैं। स्थानीय विद्यालयों एवं कलाकारों के कार्यक्रम इस सत्र में होंगे, जिसमें अभी तक हमारे पास नामांकन हो चुका है। विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के कार्यक्रमों में यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर के कार्यक्रम पहुँचते हैं, ये दूसरा कार्यक्रम। धन्यवाद सरस्वती विद्या मंदिर और सभी विद्यालयों को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका और सभी दर्शकों का। देवादिदेव महादेव की यह पवित्र भूमि और इसमें विश्व संक्रांति या मेष संक्रांति से कहा जाता है, जिसमें प्रथम राशि में प्रवेश करता है, इसी कारण राम गंगा जो कि हिमालय से निकलकर शिव चरणों को पखारती हुई यहाँ से निकलती है, वास्तव में अद्भुत छटा है इस फल की। और Thank you.
Thank you.